नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है 0222300 1635। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले बात करते हैं, क्योंकि अब 2020 दस्तक देने को तैयार है, लिहाजा नए साल में कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ट्रेड का कहां पर बड़ा मौका बनेगा, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। सेक्टर आउटलुक में आज हम बात कर रहे हैं एग्री सेक्टर में आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। हमारे साथ बीरेन वकील हैं और प्रियांक उपाध्याय, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, एग्री सेक्टर में हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग कमोडिटी की, एग्री में आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कमोडिटी होगी जहां पर 2020 में नजर रखनी चाहिए, अच्छा खासा ट्रेड की गुंजाइश वहां पर बनेगा? ट्रेड वॉर की अनिश्चितता खत्म हो गई है, अब फेज वन डील हो गया है, तो जितनी भी डिस्ट्रेस कमोडिटीज है, खास करके कॉटन जो सबसे प्रभावित रहा था, उसमें अपसाइड नजर आ रही है। प्रोटीन मार्केट यानी कैटल फीड मार्केट बहुत, तो कॉटन केक भी अच्छा रहेगा, वहाँ भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ठीक है। और गवार जो कि 3-4 साल से काफ़ी डिस्ट्रेस और रेंज बाउंड रहा है, उसमें भी करंट लेवल से 15-20% तक का अप मूव दिख रहा है, ये तीनों एसेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ओके, तो आपने तीन कमोडिटी यहाँ पर, कॉटन केक में भी आपने बताया कि 2020 में पैसा बनेगा। जी जी जी, ओके, फेयरली अपसाइड है इसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कॉटन केक में अच्छी तेजी यहाँ पर दिखेगी, 2250 के आस पर बाइंग का मौका बनेगा और 2030 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट यहाँ पर 2650 का आपने दिया है, तो 2020 में कॉटन सीड केक में अच्छा पैसा बन सकता है, ये मानना है बीरेन वकील का। आज भी ये काउंटर 3% बढ़कर 2240 के स्तर पर बंद हुआ है। ये बात हो गई एक एग्री में कॉटन केक की। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर में कहां पर ट्रेड की गुंजाइश बनेगी। प्रियांक जी, आपके हिसाब से मेटल में कहां पर नजर रखें? देखिए, अगर हम 2020 के लिए अगर किसी को प्लेस करना है, छाल आया है लोअर लेवल्स से, इसका एक ये है इंडिकेशन है कि यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर की अनिश्चितता थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखती है। एंड अगर एनकरेजिंग नंबर्स फ्रॉम चाइना यूएस अगर आते हैं तो एक डिमांड रिवाइवल भी आएगा, तो वो चलते मुझे लगता है कि कॉपर 2020 में एक आउट परफॉर्मर हो सकता है इन द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स। तो कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 474-480 हायर साइड टारगेट्स रहेंगे। ओके, ठीक है, तो आपका मानना है कि कॉपर में तेजी यहाँ पर रहेगी और 415 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर खरीद सकते हैं, और टारगेट यहाँ पर कॉपर का जो 480 का आपने दिया है, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेनिशा चेनानी भी यहाँ पर जुड़ी हैं, कमोडिटी मार्केट की एक्सपर्ट हैं। रेनिशा जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हमने मॉर्निंग में भी बात की थी, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर में अभी बड़ी तेजी बाकी है, क्या फंडामेंटली आपको भी मेटल में कॉपर का मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है? डिमांड सप्लाई के लिहाज से देखें तो कॉपर का मार्केट 2020 में आपको कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग, मुझे लगता है बेस मेटल्स में जो वर्स्ट आना था वो लास्ट इस साल में आ चुका है, तो जो कहते हैं सेइंग वर्स्ट इज बिहाइंड अस, वो हो चुका है। तो मुझे लगता है 2020 इज गोइंग टू बी ईयर वेयर हम फिर से देखेंगे कि बेस मेटल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड पर्टिकुलरली कॉपर की जिस तरह बात की जाए तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव ड्राइवर्स प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। दो तीन दिनों से जो डेवलपमेंट्स हुई है इस मार्केट में, इस वजह से हमने देखा है कि प्राइस आज 7th मंथ हाई पर ट्रेड कर रही है एलएमई पर। तो जिस तरह से सबसे पहला जो फेज वन डील हो चुकी है यूएस चाइना के बीच में ट्रेड डील, वो एक पॉजिटिव फैक्टर था इस महीने का, एंड अभी ऐसा न्यूज आ रहे हैं कि डील इज ऑलमोस्ट डन एंड अभी सिर्फ ट्रांसलेशन करना उनका और फाइनल टचिंग बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था 2 सालों से, जिस वजह से प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड हो रही थी, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। सो आई थिंक फाइनली दिस हैज
कम एंड, तो अभी 2020 में हम काफ़ी अच्छे लेवल्स देख सकते हैं. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 460 से 70 का. आई थिंक वो अभी 2020 में लगता है कि वो क्रॉस हो जाएगा. हम ऊपर में 500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं एमसीएक्स पर. ओके, मुझे भी लगता है कि बाय एंड डिप्स का व्यू रखना चाहिए. 500 का टारगेट एटलीस्ट देखा जा सकता है. इन्वेंट्रीज भी आप देखें तो काफ़ी यू नो कंटिन्यूसली 50% गिर चुकी है पिछले 5-6 महीने में. जो एलएमई की इन्वेंट्रीज जो लगभग 3.25 लाख के टन्स के आसपास ट्रेड हो रही थी अगस्त में, अभी वो 1.5 लाख के आसपास है. ऑलमोस्ट 50% जितना फॉल देखा गया है उसमें. तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फैक्टर. तो हर तरह से हम देख रहे हैं कि यू नो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है. एंड इतना अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी फाइनली बेस मेटल्स में मोमेंटम आएगा. एंड फर्स्ट वीक ऑफ एवरी ईयर जिस तरह से रीशफलिंग होता है पोर्टफोलियो का एंड बड़ी बड़ी फंड्स का, तो मुझे लगता है बेस मेटल्स में थोड़ा ज़्यादा ही इस बार परसेंटेज अलोकेशन होगा क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 सालों से. So 2020 is going to be again year of base metal. So मेरी भी positive view है. 500 का मैं target देख रही हूँ M6 पर. Okay, तो आपको लगता है कि 500 रुपए तक कॉपर का भाव जा सकता है. सभी लोग यहाँ पर कॉपर को लेकर पॉजिटिव हैं. रिनिशा जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे और होगा. सबों ने यही कहा है कि तेजी रहेगी कॉपर में. कोई थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड कोई रिस्क आपको दिख रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कॉपर में तेजी नहीं रहेगी, इसकी भी कुछ गुंजाइश है क्या? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा सिनेरियो बने अगर आगे तो? सही, आज जिस तरह से ये भी न्यूज आया है कि प्रोडक्शन कट भी हो रहे हैं चाइना में. सबसे बड़े जो 2 स्मेल्टर्स हैं उन्होंने आज प्रोडक्शन कट के बारे में कहा है. 10-15% जितना वो कट सोच रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी फैक्टर. अगर वो कट नहीं करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव फैक्टर. और सेकेंड चीज़ ये रहेगी जो ट्रेड डील के बारे में इतना यू नो हर्षो हर्ष हो चुका है मार्केट में. इतना सेंटीमेंट उसके वजह से ऊपर नीचे हुआ है. तो अगर इसमें कुछ यू नो चेंजेस आते हैं एंड लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉपर डील नहीं होती है, फेज टू डील जो है प्रॉपरली नहीं होती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि सेंटीमेंट नेगेटिव होगा. फंडामेंटल पॉजिटिव वही के वही रहेंगे, बट सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं. बहुत शुक्रिया रनिशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए. तो ये बात हो गई कॉपर की मेटल सेक्टर में और एग्री सेक्टर में कॉटन केक की. लेकिन अब बात करते हैं कि आज के बाज़ार में आपके लिए क्या मौके हैं, आज आपको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए. प्रियांक, पहले तो आप ये बताएं कि क्या गोल्ड में आज शाम के लिए कुछ गुंजाइश बची है अभी ट्रेड करने की, खरीदना चाहिए अभी वेट करें अभी क्या करें? देखिए, काफ़ी एक रनअप हमने देखा है लास्ट 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में. बुलियन सेक्टर में गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक अच्छा रनअप आया है. मेरे हिसाब से मोमेंटम अभी भी अपसाइड का बना हुआ है. ऑन द हायर साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 38,400 ये एक लेवल से रहेंगे जहाँ तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है. ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब. पहला सवाल है मुरारी का जयपुर से. पूछिए मुरारी जी. साहब, मुझे चांदी और इसमें चांदी के बारे में जानना है आपको. एनजी में पूछना है. अच्छा, चांदी और एनजी में आपको पूछना है. ठीक है, दोनों का आउटलुक आप जानना चाहते हैं. वीरेन जी, सिल्वर और नेचुरल गैस, इन दोनों कमोडिटी का आउटलुक अभी आपको क्या लग रहा है? इन दोनों कमोडिटी में अच्छी तेजी का माहौल बना है, क्या यही माहौल अभी बना रहेगा या कुछ बदलाव होगा इसमें? कम से कम जनवरी तो बुलिश रहेगा, स्पेशली बुलियन सेक्टर के लिए. सिल्वर में 46,500 का मेरा बाई कॉल है, 47,300 के टारगेट के लिए. नेचुरल गैस में आज के लिए अगर करना है तो 159 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाई प्रेफर करूँगा. 156 का स्टॉप लॉस रहेगा और 165.66 का टारगेट रहेगा. ठीक है, अगला सवाल है राजेश का सहारनपुर से. पूछिए राजेश. सारंगपुर से, हाँ पूछिए राजेश, आप सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है. लेकिन क्रूड पाम तेल के ऊपर इनका सवाल था और क्रूड पाम तेल में आज बड़ी तेजी का माहौल बना है. 775 रुपए के ऊपर काउंटर पहुंचा है, 3% से ज्यादा की तेजी, करीब करीब 25 रुपए की मजबूती
और लगातार क्रूड पाम तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 महीने में करीब करीब 37% की तेज़ी क्रूड पाम तेल की कीमतों में आ चुकी है। क्या ये तेज़ी टिकाऊ है और दाम बढ़ने वाले हैं, अभी करना क्या चाहिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, CKED हैं। मेहता जी स्वागत है आपका। पाम तेल के दाम थम नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये और अब तक और आगे क्या यही चाल अभी रहेगी, आप क्या देख रहे हैं? देखिए इंडोनेशिया ने B22 B30 को स्टार्ट कर दिया और उनका प्रेसिडेंट का परसों स्टेटमेंट था कि B40 में अगले 6 महीने में जाएंगे। मलेशिया अंदर B10 से B20 में जा रहा है। पहले जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन एस्टिमेट था उससे नीचे प्रोडक्शन आ रहा है। चाइना ब्रॉट लास्ट क्वांटिटी बिकॉज ऑफ न्यू ईयर और साथ में अर्जेंटीना ने 5% एक्सपोर्ट ड्यूटी सोयाबीन और साथ ऑयल बढ़ा। इस सारे और अपना इंडिया का क्रॉप अगर सोयाबीन का देखे जो पहले हम 9.5 मिलियन मान रहे थे अभी लगता है 8 to 8.5 मिलियन ही है। इफ यू पुट ऑल फैक्टर टुगेदर एक तेजी का दौर चालू हुआ है। क्या क्या प्राइस आप देख रहे हैं इंडिया में पाम तेल का आगे? नहीं मेरे ख्याल से प्राइस फॉर्म रहेगी, कम होने की उम्मीद 2-3 महीने में नहीं, मैं मानता हूँ कि कम नहीं होगी ये प्राइस पे या तो थोड़ी और फॉर्म हो सकती है। मगर उनका फायदा भी देखिए, आज हमारे किसान को पहली दफा MSP से ऊपर भाव मिल रहा है। सोयाबीन की MSP 3710 रुपया 3700 है, उसके बाद सोयाबीन 4500 में जा रहा है। रैपसीड की जो MSP है 4425, तो आज वो 4662 है। तो किसान को भी फायदा मिल रहा है, अगर तेल महंगा हुआ है सही बात है, पर साथ में उनका फायदा भी किसान को मिल रहा है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि MSP के ऊपर रेट चल रहा है और किसान को 2 पैसा मिल रहा है। अच्छा, और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये जो दाम है 10 साल पहले भी आप देखे ना तो इतना ही थे, उसे 10-15% बढ़े 10 साल पहले के भाव में राज्य तेल के दाम। तो ये पैनिक होने की जो बात कर रहे हैं आप, किसके लिए कह रहे हैं, किनको पैनिक नहीं होना चाहिए? आप जो मीडिया कंज्यूमर एंगल से हर दफा देख रहे हैं उसके लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। हाँ। कि कभी किसान का भी सोचो। नहीं, किसान का तो हम लोग सोचते हैं सर, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आप लोगों की तरफ से इंडस्ट्री की बात पहले आती है, किसान की बात बाद में आती है। नहीं हमारा उल्टा है सर जी, मैं पहला किसान से मैं आपसे मतलब आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग जो बातचीत करते हैं वो अलग चीज, सबका अलग मानना है, पर हम मानते हैं अगर किसान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेगी, नहीं तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। देखिए कहा ये भी आता है किसानों के नाम पर इंडस्ट्री वाले खूब खेलते हैं और किसानों की आड़ में दाम बढ़वाते हैं, पॉलिसी में बदलने के लिए दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर, किसानों के पास से जब एक्चुअल माल निकल जाता है हाथ से तब ये सारी कवायद होती है, दाम बढ़ते हैं फायदा कोई और ले जाता है। देखिए अभी खरीफ का हार्वेस्टिंग हुआ है और ये दाम मिले सितंबर के बाद मार्केट में तेजी हुई है और अभी रबी का सोविंग चल रहा है और अगले 2-3 महीने में मार्च तक लगता नहीं है कि अभी ये प्राइसेज कम होगी, तो डेफिनेटली किसान को सही दाम मिलेंगे। और कंज्यूमर आप हो कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर है, हम महीने में कितने खाते, 3 या 4 लीटर, अगर 15 रुपया बढ़ गया तो हमको क्या फर्क पड़ता है? सर आप हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हैं इसलिए आप कम खाते हैं, लोग ज्यादा भी खाते हैं। नहीं नहीं यार 15-20 लीटर खाओ कितना हेल्थ की जागरूक तो नहीं, 15 से आप हर महीने 1 लीटर का मतलब अब 4 लीटर साल सिर्फ तेल नहीं खाते हैं ना, सिर्फ तेल नहीं पीते हैं ना, बाकी चीज आप अगर अलग अलग कमोडिटी का हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो महंगाई पे इम्पैक्ट तो आप जो बात कह रहे हैं अगर ये बात सरकार सोचने लगे तो सारी पॉलिसी बनना बंद हो जाए। RBI की जो पूरी पॉलिसी होती है क्रेडिट पॉलिसी उसमें इन्फ्लेशन को देखा जाता है, अब इन्फ्लेशन में सिर्फ तेल का इन्फ्लेशन तो नहीं देखा जाएगा, बाकी सारी चीजें मिलके जो इन्फ्लेशन होती है वो सरकार के लिए चिंता बढ़ाती है, कंज्यूमर के लिए चिंता बढ़ाती है। अगर 5-5 रुपए आपको हर प्रोडक्ट में देना पड़े, 10-10 रुपए आपको हर प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा देना पड़े तो दिक्कत तो होगी ना सर। आप उन लोगों के लिहाज से भी सोचिए जिनके लिए 10-20-50 रुपए मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसानों को रेट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि किसान को 2022 तक डबल मिले। नहीं नहीं बिल्कुल मिले, मैं उसके पक्ष में हूँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 2022 नहीं 2020 में हो जाए तो और अच्छी बात। आप अगर कंज्यूमर को अगर हर दफा पैम्पर करते रहेंगे और किसान को इग्नोर करेंगे, पैम्पर करने की बात नहीं, मैं तो आपका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि तेल में कितना एक्स्ट्रा लग जाता है, बाकी चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन है। मैं तेल वाला हूँ, तेल की बात करूँगा, बाकी की बात नहीं करता हूँ, मगर
मैं सिंपल है कि भाई 50-60 रुपए का आपका बजट बढ़ गया तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर दिन आप ऑटो रिक्शा में इतना डाल रहे हैं या तो दो पान खा जाते हैं, तो इसके लिए किसान का सोचना जरूरी है। किसान का बिल्कुल सोचा, मैं मेरा सवाल मेहता जी सिर्फ इतना है, किसान का बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ 2022 की जगह अगर 2020 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए तो ये और अच्छी बात होगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो रेट बढ़ते हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं या बाकी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं, क्या इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी किसान है? क्या जो रेट बढ़ते हैं क्या वो वाकई किसान तक ट्रांसलेट हो पाता है, किसान तक पहुंचता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए मैं आपसे लगातार पूछ रहा हूं कि ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि अभी खरीफ की हार्वेस्टिंग हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये होता है कि दाम उस दौरान बढ़ते हैं जब किसानों के हाथ से माल निकल जाता है, तब उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। तो CPO में आप कह रहे हैं कि अभी और दाम बढ़ेंगे और उसका इम्पैक्ट आपको बाकी कमोडिटी के ऊपर भी दिख सकता है। लेकिन